गुरु, वैसे तो कई देशों ने भारत से कहा कि भैया यूक्रेन का मुद्दा चुपके से उठाओ और चले आओ नाटो की तरफ। कहा हुआ झूठे रशिया का साथ दे रहे हो तुम भी। देख रहे हो गुरु कितनी गहरी साजिश है, लेकिन भारत इनको हर बार बोलता है। ओहो, ससुरा हमको बकलोल समझता है। तुम लोग के बोलने से हम रशिया से तेल ना खरीदे, गैस ना खरीदे, हथियार ना खरीदे, तो ये सब तुम्हारा बाप देगा हमको। और साला सही टाइम पे तो तुम लोग में से कौनो भी हमारे साथ नहीं होगा। रशिया आता है, याद है ना 1971। ससुर का नाती। तो गुरु, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जयशंकर जी से एक सवाल पूछा गया और जवाब बहुत भयंकर था गुरु। तो सवाल कुछ ऐसा था कि आजकल भारत और कोर्ट के तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, ऐसी कौन सी वजह है क्या आपको मालूम है? अब जहां कोर्ट के 3 मेंबर यूक्रेन को लेकर अपनी एक अलग राय रखते हैं, वहीं भारत अपना अलग ही मचा रहा है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद जयशंकर जी बोलते हैं कि भैया आपके कहने का ये मतलब है कि कोर्ट के बाकी देश इस उम्मीद में बैठे हैं कि भारत उनके हर मुद्दे का समर्थन करे, वो लोग कौनो डिसीजन ले भारत फटाक से हाँ बोल दे। पर हम ऐसा करें क्यों जब वो लोग हमारे मुद्दे पर हमारा साथ नहीं देते, तो हम लोग उनके मुद्दे पर उनका साथ क्यों दे? आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर और पीओके को लेकर हमने कई बार इनसे समर्थन मांगा है, लेकिन इनमें से कौनो देश ने हमारा साथ दिया? नहीं दिया। सिर्फ रशिया, फ्रांस, इजराइल को छोड़ दी तो कौनो देश कश्मीर मुद्दे पर हमारा साथ नहीं देता, और भारत यूक्रेन मुद्दे पर शांत बैठा है तब भी इन लोगों की जलती है। जयशंकर जी ने साफ बोल दिया कि जिस दिन ये देश भारत के हर मुद्दे पर भारत का साथ देंगे, उस दिन हम भी इनका साथ दे ही देंगे। फिलहाल पहले इनको बोलो कि भारत के पूरे मैप को माने, बाद में बात करें। तो गुरु बस आज के लिए इतना ही। जयशंकर जी का जवाब आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।